नमस्ते। आज हम भिंडी की खेती का अध्ययन करेंगे। भिंडी या ओकरा, जिसको लेडीज फिंगर के नाम से भी जाना जाता है, एबलमसस एस्कुलेंटस इसका वानस्पतिक नाम है। मालवेसी कुल का यह पौधा है और बहुत ही प्राचीन समय से इसकी कल्टीवेशन की जा रही है और लिटरेचर के हिसाब से संभवतः अफ्रीकन महाद्वीप में इसका पहली बार कल्टीवेशन की गई थी। लगभग 38 स्पेसीज एबलमोचस की जो प्रयोग में की जाती है। देर आर 38 स्पेसीज ऑफ द जीनस एबलमोचस। इम्पोर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप है ये, जो कि गर्मी और बरसात के सीजन में पूरे भारत में इसको उगाया जाता है। इसमें विटामिन्स, कैल्शियम, पोटेशियम और दूसरे मिनरल्स से प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसकी जड़ें और तना भी विभिन्न प्रकार की औद्योगिक उपयोग में लिया जाता है, जैसे शुगर इंडस्ट्री में शुगर साफ करने आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ इसकी एडिशनल वैल्यूज भी है जो इसको प्रयोग करते हैं। ओकरा इज ग्रोन फॉर इट्स ग्रीन टेंडर एंड न्यूट्रिटिव फ्रूट्स। इसके जैसा कि हम जानते हैं, सब हरा और मुलायम फली इसका प्रयोग में करते हैं और कैनिंग और फ्रोजन में भी इसका आजकल प्रयोग किया जा रहा है। आपकी हम इस स्लाइड पर देख रहे हैं कि न्यूट्रिशन वैल्यूज़ की, यदि 100 ग्राम हम एडिबल पोर्शन, यदि 100 ग्राम भिंडियम खाते हैं तो हमें से ये तत्व शरीर को पोषण के रूप में प्राप्त होते हैं। इसको देखने पर हमें देख रहे हैं कि विटामिन सी नीचे से 13 मिलीग्राम, ये बहुत इम्पोर्टेंट। विटामिन ए 88 IU इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कैलोरीज, आयरन भी है 1.5 मिलीग्राम। इस तरह से देख सकते हैं कि काफ़ी न्यूट्रिशन वाला और एक अच्छी प्रचलन में खेती की है इसकी, भिंडी की खेती का। इसकी वैरायटीज की बात करें तो पूसा सावनी भिंडी की वैरायटी की कुछ क्वालिटेटिव करेक्टर्स होते हैं, जैसे उसकी भिंडी की लेंथ लंबाई कितनी है, उसके ऊपर धारियाँ कितनी है, उसकी सॉफ्टनेस कितनी है, इसके साथ साथ वह बुवाई से लेकर कितने दिन में तैयार हो जाती है और कुछ जो कीड़े और बीमारियां लगती हैं उससे रेसिस्टेंट कितनी है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर विभिन्न संस्थाओं ने इसकी वैरायटियों को रिलीज़ किया है, जैसे पूसा सावनी IRI से निकली हुई वैरायटी है। डार्क ग्रीन है इसका कलर, स्मूथ है, 5 रिजेज इसके ऊपर होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है मार्केटेबल स्टेज पर, और बुआई से लेके 50 दिन में ये तैयार होने वाली फसल है। और ये रेसिस्टेंट है येलो वेन मोजेक वायरस। भिंडी में एक मोजेक वायरस आता है खतरनाक, जो पूरी फसल को ख़राब कर देता है, तो उससे रेसिस्टेंट है। और यह डेवलप की गई थी, दिस वैरायटी वाज डेवलप बाय डॉक्टर हरभजन सिंह जी के द्वारा निकाली गई थी, जिस क्रॉस किया था पूसा मखमली और IC 1542 के बीच में, तब निकली थी ये पूसा साउंड। इसके बाद है प्रबनी क्रांति, ये भी रेसिस्टेंट है येलो वेन मोजेक वायरस से। ये मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ से निकली है, परभनी से 1985 में। ये भी एक बहुत अच्छी वैरायटी है, 50 दिन में लगभग तैयार हो जाती है। हरभजन एक वैरायटी है, हाई यील्डिंग है, फ्रूट सेविंग 5 रिजेज, 15 से 29 सेंटीमीटर लॉन्ग और रेसिस्टेंट टू येलो वेन मोजेक वायरस। पंजाब पद्मनी पंजाब से निकली जाती है, ये भी रेसिस्टेंट है। इसको रेसिस्टेंट तो नहीं है, पर ये इसको येलो वेन मोजेक वायरस को सेंड कर लेती है और ये बहुत अच्छी जाती है। पंजाब 7 एक जाती है जो भी रेसिस्टेंट है येलो वेन मोजेक वायरस। पंजाब नंबर 13 है, ये भी एक पंजाब से निकली जाती है। पूसा मखमली, पूसा की एक बहुत अच्छी जाती है, सुसेप्टेबल टू येलो वेन मोजेक वायरस। इट इज एन अर्ली वेराइटी डेवलप्ड 8 IRI न्यू दिल्ली एज ए रिजल्ट ऑफ सेलेक्शन फ्रॉम लोकल मटेरियल्स ऑफ वेस्ट बंगाल से, जो ये निकाली गई थी ये। इसके बाद है इसमें IIHR 2031, ये भी एक जाती है जो IIHR से निकली है और इट इज़ फ्री फ्रॉम अटैक द येलो वेन मोजेक वायरस। और इसकी खास बात यह है कि 20 से 25 फ्रूट्स पर प्लांट एक बहुत हाईल्डिंग वेराइटी में आती है ये IIHR 2031। इसके बाद वर्षा उपहार एक जाती है, रिलीज बाय CCHU हरियाणा से निकली है, ये भी बहुत अच्छी जाती है। अर्का अनामिका सेलेक्शन 10 जिसको बोलते हैं, ये येलो वेन मोजेक वायरस से रेसिस्टेंट IIHR बेंगलोर से निकाली जाती है और हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू निकली जाती है ये भी।
और 110 से 120 क्विंटल तक हरी इसके पौड मिल जाते हैं। अर्का अनामिका, अर्का अभय, यह भी एक IIHR की रेसिस्टेंट है, येलो वेन मोजेक, और 50 से 60 दिन में तैयार होने वाली जाती है। CO1 तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जाती है। MDU1 ये म्यूटेंट वैरायटी है पूसा सावनी से, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, ध्यान रखिए म्यूटेंट, इंड्यूज म्यूटेंट ऑफ पूसा सावनी से MDU1, और ये कोयम्बटूर से निकली है। इसके हरे फल होते हैं, टेंडर होते हैं, लॉन्ग होते हैं और 45 दिन में शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ EMS 8 भी एक जाती है। इस तरह से ये जातियाँ हैं जो येलो वेन मोजेक से रेसिस्टेंट जातियाँ हैं और हाई यील्डिंग जातियाँ जो आमतौर पर प्रचलन में है। अब इसके बाद इसकी क्लाइमेट की बात करते हैं भिंडी की, तो द ओकरा बींग ए वार्म सीजन क्रॉप, गर्म सीजन की फसल है और पाले से बहुत अधिक प्रभावित होती है, तो इसका जो सीड जर्मिनेशन है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच अच्छा होता है और 17 इससे कम तापमान होने पर यह फेल हो जाता है, जर्मिनेशन नहीं हो पाता। और इसकी जो पौधों का विकास है वो वार्म क्लाइमेट और में बहुत अच्छी प्रकाश होता है। वैसे लगभग इसको हॉट समर में भी ग्रो कर लेते हैं, गर्मियों में भी, परंतु फिर भी यदि तापमान बहुत अधिक है तो इसमें फ्रूटिंग की समस्या होती है। तो इस तरह से ये एक वार्म सीजन की 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के आसपास में उगाई जाने वाली फसल है। सोइल एंड प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो ओकरा डज नॉट एक्सरसाइज एनी परफॉर्मेंस इन सैंडी टू क्ले सोयल्स विच आर वेल मैनेज इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी एंड ड्रेनेज। सभी प्रकार की मिट्टियों में, बलुई दोमट या दोमट मिट्टियों में अच्छी प्रकार से होती है। न्यूट्रल टू स्लाइटली अल्कलाइन सोइल्स आर आइडियली सूटेड। जो उदासीन मिट्टियां हैं और या हल्की क्षारीय या वाली मिट्टियां वो भी इसमें खेती में काम आ जाती है। इसके एक तैयार करने में खेत में एक अच्छी जुताई गहरी करके गर्मियों में, इसके बाद 2-3 हल्की जुताइयां करके इसको खेत को तैयार करते हैं और अच्छा लेवल करके और लास्ट प्लोइंग करके लेवलिंग करके बुआई के लिए तैयार करते हैं। मैन्योरसन फर्टिलाइजर्स में है जो इसमें मैन्योरसन फर्टिलाइजर्स, इस पर डिपेंड करता है कि किस सीजन में बो रहे हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है, सोइल की फर्टिलिटी क्या है, पहले से कौन सी क्रॉप ली गई, इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए फिर भी 20 से 30 टन गोबर की खाद, अच्छी प्रकार की सड़ी होनी चाहिए, 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर इसमें प्रयोग करेंगे। गोबर की खाद को जैसा कि हम फसलों की तरह अंतिम जुताई के साथ फील्ड में अच्छी प्रकार मिला देते हैं और इसके बाद पूरा फास्फोरस और पूरा पोटास और जो नाइट्रोजन की डोज है 100, उसका 3 भागों में बांट के 1/3 यहाँ पर पूरा पोटास, पूरा फास्फोरस और 1/3 नाइट्रोजन को अप्लाइड कर देंगे लास्ट प्लोइंग के साथ में। और इसके बाद जो नाइट्रोजन की 2 डोज बचती है इनको 2 भागों में बांट करके, द फर्स्ट टू बी टॉप ड्रेसिंग 1 मंथ आफ्टर सोइंग, बुआई के 1 महीने बाद, और इसके बाद दूसरी है दूसरी बुआई करेंगे 2 महीने बाद में। इस तरह से 1 महीने बाद और 2 महीने बाद इसकी नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे। हालांकि जहाँ पर वर्षा ज़्यादा हाई रेनफॉल होता है वहाँ पर वर्षा इसकी फसल ली जा सकती है हमेशा, पर नाइट्रोजन शुड बी अप्लाइड इन 4 फ्लाइप स्पीड डोजेज, पर वहाँ पर नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो बहुत ज़्यादा लीज करके जल्दी नष्ट होता है, इसलिए वहाँ पर नाइट्रोजन की मात्राएँ जब अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ 4-5 भागों में बांट करके देना चाहिए जिससे कि वो फसल को इसका पूरा लाभ मिल जावे। इसको जो बुआई का समय है, इट इज़ पॉसिबल ग्रो टू ओकरा ऑल द ईयर्स राउंड इन साउथ इंडिया, दक्षिण के कुछ भागों में पूरे वर्ष भर उगाते हैं, पर यदि हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो इसके 2 सीजन है, 2 क्रॉप, स्प्रिंग समर सीजन और रेनी सीजन। जो स्प्रिंग समर का मतलब हो गया फरवरी मार्च के महीने में और रेनी सीजन का हो गया लेटर इन जून जुलाई, तो दी क्रॉप इन मई जून कैन सक्सेसफुली हिट्स, और गर्मियों में मई जून के महीने में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से 2 ग्रोइंग सीजन हो गए, फरवरी मार्च और जून जुलाई के महीने में भिंडी की बुआई करते हैं। सीड रेट सीजन के हिसाब से डिपेंड करती है, फॉर ए स्प्रिंग समर क्रॉप अबाउट 20 kg सीड पर हेक्टर, जो गर्मी की है फरवरी मार्च वाली उसमें 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर की बीज दर रखेंगे, जबकि रेनी सीजन में 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर प्रयोग में लेते हैं।
समर में इसका जो है कम जर्मिनेशन होता है बीजों का, फरवरी मार्च वाली क्रॉप में कम तापमान की वजह से, जिसकी वजह से इसकी सीड रेट ज़्यादा रखी जाती है, जबकि गर्मियों में इसका हायर रेनी सीजन में कम सीड रखी जाती है। गर्मियों में बुआई से पहले इसको गर्म पानी में 24 घंटों तक भिगा करके यदि बुआई करते हैं तो जर्मिनेशन इसका अच्छा हो जाता है। बोने के इसके मेथड्स ऑफ सोइंग की बात करें तो सिंस स्प्रिंग समर क्रॉप नीड्स मोर केयर, जो फरवरी मार्च वाली फसल में ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, तो द नीड शुड बी प्रेफरली बाई डिबल 50 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन रिजेज मेड, जो कूड बना लिए जाते हैं, जो मेड़े बना ली जाती है छोटी छोटी, उसके ऊपर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, और मेड़ों की आपसी अंतर होता है 45 सेंटीमीटर, यानी 45 सेंटीमीटर की दूरी पर मेड़ और 15-15 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको बीजों को चोप देते हैं। जो मेड़ बनाएंगे वो साउथ टू नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर की दिशा में बनाएंगे, और बीजों को फेसिंग ईस्ट पूर्व की दिशा में देखते हुए बीजों को बुआई करेंगे, जिससे कि उनको धूप आदि पर्याप्त मिलती रहे, थोड़ा बचाव भी हो जाए। तो इस तरह से इसकी बुआई करते हैं। द मैन और द रेनी सीजन क्रॉप कैन बी शोन इन फ्लैट बेड्स, जो मुख्य फसल कहलाती है रेनी सीजन की, उसको फ्लैट बेड्स में बोते हैं, जहाँ 45x60 cm x 25-30 cm अंतर, ये रेनी सीजन की क्रॉप है तो इसका पौधों से पौधों का अंतर बढ़ा दिया 25-30 cm, और इकोनॉमिक प्रोडक्शन भी, और कॉमर्शियली और लार्ज स्केल और प्रोडक्शन सीड रेट हैज़ टू बी इंक्रीज फ्रॉम 10-15 kg पर हेक्टेयर, जो 8-10 किलो होता है उससे 10-15 किलोग्राम सीड रेट कर सकते हैं। इरीगेशन, द स्प्रिंग समर क्रॉप नीड इरीगेशन इमीजिएट आफ्टर 4-5 डेज, बुआई के बाद नमी यदि कम है तो तुरंत बुआई करें, स्प्रिंग सिंचाई करेंगे, अन्यथा 4-5 दिन के अंतराल पर कम लाइट इरीगेशन करते रहेंगे, और जो वर्षाकालीन फसल है उसमें जब भी खेत में आवश्यकता पड़े बरसात की स्थिति को देखते हुए उसमें सिंचाई करते हैं। वीड कंट्रोल एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सब्जियों की खेती में, तो गर्मियों वाली फसल में वीडिंग प्रॉब्लम कम होता है, तो 2-3 वीडिंग से काम चल जाता है, पर रेनी सीजन में क्रॉप में वीडिंग्स की काफ़ी आवश्यकता होती है, तो फ्रिक्वेंट वीडिंग करनी पड़ती है बार बार। तो इसके लिए कई बार जहाँ पर खरपतवार की समस्या ज़्यादा है वहाँ पर प्री प्लांटिंग एप्लीकेशन ऑफ फ्लूक्लोरोलिन एट द रेट ऑफ 0.5-1 kg पर हेक्टेयर, प्री प्लांटिंग यानी पहले फ्लूक्लोरोलिन नाम की दवा का इतना 0.5 से 1 kg पर हेक्टेयर 4 days before sowing बोने के 4 दिन पहले खेत में अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ट्राईफ्लोरोलिन, यदि यह नहीं मिले तो ट्राईफ्लोरोलिन उसी मात्रा में 0.5 से 1 kg पर हेक्टेयर, या एल्कोर 1-2 kg पर हेक्टेयर 1 day after sowing हैव बीन रिकमेंडेड, बोने के 1 दिन बाद भी यह रिकमेंडेड किया गया है, जिससे कि वीड्स को निकले ही नहीं खेत में चेक हो जाए। वीडिसाइड्स के द वीडिसाइड ट्रीटेड फील्ड में हाउएवर नीड 1 weeding, हालांकि वीडिसाइड से फील्ड ट्रीट हो जाती है लेकिन फिर भी 60 दिन के बाद होने के एक बार निराई गुड़ाई की आवश्यकता इसमें रहती है। तो भिंडी की फसल में जैसा कि आम फसलों की तरह शुरू के प्रारंभ में जो 3 weeks होता है उसमें खेत यदि वीड फ्री रहता है तो क्रॉप एक अच्छी स्थिति में आ जाती है, जो कि बाद में अच्छा प्रोडक्शन देती है। तो इस तरह से वीड्स का नियंत्रण करेंगे सिंचाई करते हुए। अब इसकी हार्वेस्टिंग की बात करें तो जैसा बाज़ार में हम देखते हैं बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट और टेंडर फ्रूट्स का ही लाइक किए जाते हैं, इसलिए इसकी पिकिंग 1-2 दिन के अंतराल पर बार बार की जाती है, 78 days फ्रॉम फ्लावरिंग टू पिकिंग ऑफ फ्रूट्स। जनरली फूल आने के 7-8 दिन बाद इसका फलों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। जनरली द कंज्यूमर्स प्रिफर्स स्मॉल टेंडर फ्रूट, छोटे फलों को भी प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा बाज़ार में इसकी जो नोब तोड़ करके हम देखते हैं कच्ची है कि नहीं, तो कच्चे फल ही इसका प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए 5-7.5 cm लंबे जो फल होते हैं उसका प्रयोग करते हैं। और फ्रिक्वेंट पिकिंग इन ओकरा प्रमोट्स फ्रूट डेवलपमेंट, यदि इसकी बार बार तुड़ाई करते रहते हैं तो फल भी पौधों पर ज़्यादा आते हैं, इसलिए इसकी सही इंटरवेल पर तुड़ाई करनी चाहिए। और फ्रूट शुड बी हार्वेस्टेड बाई ट्रेंड पर्सन्स, इसको बहुत ही जो ट्रेंड पर्सन्स होते हैं उनके द्वारा फलों को तोड़ा जाए, फलों की तोड़ाई सब्जी की तोड़ाई, क्योंकि
जो बड़े फल होते हैं लार्ज साइज़ के, वो कई बार तोड़ते समय पौधों को भी नुकसान हो जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जो इस प्रैक्टिस को करते रहें, ट्रेंड पर्सन है, प्रशिक्षित है, उन्हीं लोगों से फलों की तुड़ाई कराई जाए, सावधानी से कराए ताकि पौधों को नुकसान नहीं हो। तो फूल आने के 7 से 8 दिन बाद में इसकी तुड़ाई शुरू कर देते हैं और कच्चे कच्चे फलों को ही बाज़ार में बेचा जाता है। इसके बाद इस यील्ड की बात करते हैं तो ऑन एवरेज यील्ड दी ओकरा वेरीज फ्रॉम 60 to 65 क्विंटल पर हेक्टर, 60 से 65 क्विंटल पर हेक्टर इसकी यील्ड होती है। और ग्रीन फ्रूट्स की फॉर द स्प्रिंग समर क्रॉप, और यानी गर्मी वाली फसल की, और 90 से 120 क्विंटल पर हेक्टर होता है रेनी सीजन क्रॉप्स की, जो वर्षाकालीन फसल हो तो उसकी 90 से 120 क्विंटल पर हेक्टर। कभी कभी इसमें एक समस्या पाई जाती है, पुअर सीड जर्मिनेशन। नॉर्मली इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स ओकरा इज सोइंग इन 2 सीजन्स, उत्तरी भारत में जो 2 सीजन में बोते हैं, तो इन रेनी सीजन देयर इज ए नो प्रॉब्लम ऑफ सीड जर्मिनेशन। हाउएवर प्रिवेलिंग ऑफ लो टेम्परेचर ड्यूरिंग फरवरी, विच इज एन ऑप्टिमम टाइम ऑफ शोइंग ऑफ स्प्रिंग समर क्रॉप्स, लीड्स टू पुअर सीड जर्मिनेशन। जब अपन फरवरी के महीने में थोड़ा सा तापमान कम रहता है उत्तरी भारत में, तो ये जर्मिनेशन की समस्या होती है। तो इसके लिए बीजों को बोने से 24 घंटे पहले 45 डिग्री सेंटीग्रेड वाले गर्म पानी में 30 मिनट तक इसको भिगो देते हैं तो फिर सीड जर्मिनेशन अच्छा हो जाता है, नंबर एक। नंबर दो, द टाई द वाटर शॉक सीड इन ए पीस ऑफ क्लॉथ एंड कीप इन टू ए हीप ऑफ फ्रेश काउ डंग ओवर नाइट टू स्टिमुलेट जर्मिनेशन। इसमें बीजों को, भीगे हुए बीजों को एक कपड़े में बांध देते हैं, बांध के उसको गोबर की होता है गाय का गोबर, उसमें ओवरनाइट यदि उस पर उसमें रख दें इसको, तो वो जर्मिनेशन इसका बहुत अच्छा होता है। ये दो ट्रीटमेंट जहाँ पर जर्मिनेशन की समस्या है फरवरी वाली क्रॉप में, वहाँ पर इसका प्रयोग करने से जर्मिनेशन प्रतिशत को बढ़ावा दे सकते हैं या बढ़ जाता है। अब इसकी प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स में देखा होगा भिंडी में काफ़ी कीड़े और बीमारियां नुकसान करती है। तो पहला है स्पॉटेड बॉल वॉर्म इरेसिया विटिला, द लार्वा बॉर्न इनटू द ग्रोइंग शूट्स। इसमें लार्वा इसको नुकसान करता है और फ्रूट्स को भी बाद में नुकसान करेगा, शाखाओं को नुकसान करेगा, तने में घुस जाता है और उसको नुकसान करता रहता है, जिससे कि फल भी ख़राब हो जाते हैं और अनफिट फॉर कंजप्शन हो जाता है। कई बार देखा होगा भिंडी में कीड़ा निकल जाता है वो वाला। तो इसके लिए फॉलो क्रॉप रोटेशन का प्रयोग करना चाहिए। और ऐसे जिन पर ये बीमारी, ये कीट लगा हुआ है, उस पौधे को निकाल बाहर करना चाहिए। इसके साथ साथ रेगुलरली रिमूव द अटैक फ्रूट्स, ऐसे फल जो दिखाई दें जिसमें इस कीट का लगा हुआ, उसको भी हटाते रहना चाहिए। और स्प्रे कार्बराइल 0.2% या साइपरमेथिन 0.05% का 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। तो ये स्पॉटेड बॉलवॉर्म काफ़ी नुकसान करता है, इससे बचा जा सकता है। एक जेसिड्स भी छोटा छोटे कीट होते हैं जिसका एडल्ट होता है, जो पत्तियों पर मुलायम शाखाओं पे से सेल्स है पीकर, कोशिका रस पीकर के नुकसान करते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए मेलाथियन 0.1% या डायमेथॉट 0.3% या मोनोक्रोटोफास का छिड़काव कर सकते हैं, जो इसका देखे तो इससे बचाव हो जाता है। इसके बाद एक लगती है स्पाइडर माइट लगती है ट्रेट्रा एंचोस सिनोबेरेंसियस। इधर ये इंसेक्ट सक द सेप, यानी चूसक वाले माउथ पार्ट्स होते हैं जो कोशिका रस को पी करके मुलायम भागों से उसको नुकसान करते हैं पौधे को, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती है और बाद में नष्ट हो जाती है। तो इसके लिए मेलाथियन का या डायमेथोड या कार्बराइल का छिड़काव करते हैं। इसके बाद एक वाइट फ्लाई होती है बिमाइसिया टेबेकाई, द इंसेक्ट डजंट काजेज कंसिडरेबली डैमेज टू दी क्रॉप बट एक्ट एज ए वेक्टर टू ट्रांसमिट द येलो वैन मोजेक वायरस। ये सीधा नुकसान नहीं करता वाइट फ्लाई, परंतु येलो वैन मोजेक वायरस का जो पैथोजन है उसको पूरे खेत में फैलाने का काम करता है। तो एक क्रॉप, एक पौधे पे यदि येलो वैन मोजेक वायरस आ गई है तो वो सारे खेत में फैलाने का काम ये करता है, इसलिए इसका नियंत्रण बहुत आवश्यक होता है। तो स्पाइडर माइट की तरह ही मेलाथियन का या डायमेथोट का या
कार्बराइल का स्प्रे करके इस वाइट फ्लाई का नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये तो इसके कीट, इसके साथ साथ इसको कुछ बीमारियां भी नुकसान करती है, जैसे रूट नोट नेमेटोड, मेलाडोगानी, इकोग्नेटा, ये जड़ों में गांठ बना करके नुकसान करती है, जिससे पौधा पीला पड़ कर और इसकी ग्रोथ रुक जाती है और उस पर किसी प्रकार की फ्रूटिंग और फलादि दिखाई नहीं देते और पौधा नष्ट हो जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए डीप प्लोइंग करेंगे, समर के गर्मी के दिनों में खेत में गहरी जुताई करके छोड़ना, क्रॉप रोटेशन का प्रयोग करना। इसके अलावा कार्बोफुरान 3G 25 किलोग्राम पर हेक्टर की दर से मिट्टी में मिलाना और निमेगोन 25 लीटर पर हेक्टर सिंचाई के पानी के साथ प्रयोग करें तो रूट नोट निमेटोड का प्रकोप कम किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है इन चार उपायों के माध्यम से। इसके बाद है इसका एक है फंगल डिजीज़ डैम्पिंग होप, जैसा कि पहले की सब्जियों में भी आपको बताया गया है, छोटे पौधों को नुकसान करता है ये रिजेक्टोनिया और फ्यूजोरियम स्पेसीज की जो होती है, और ये सीडलिंग्स को छोटी अवस्था में पौधों को विशेष रूप से समर क्रॉप्स में ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी भी होता है और कभी कभी टेम्परेचर भी होता है। तो इसके बचाव के लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम रखेंगे, सिंचाई जल निकास का, जल के अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने का, और ट्रीट द सीड विद कैप्टन और थायरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजों को उपचारित करके बोना चाहिए, विशेष रूप से रेनी सीजन की क्रॉप को। एक लगती है पाउडरी मिल्डी, जिसको बोलते हैं इरिसिफी, ये सफ़ेद चूर्ण सा पत्तियों पर आदि पर दिखाई देता है, और इसके बचाव के लिए सल्फर डस्ट 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर या कैराथियन 0.2% 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करेंगे। पाउडरी मिल्ड्यू के साथ साथ एक फंगस और फ्यूजोरियम विल्ट, ऑक्सीस्पोरम या वेस्निफेक्स्टम, ये भी डिजीज है जो काफ़ी करेक्टराइज्ड बाय द येलोविंग ऑफ लीव्स फ्लोड बाय विल्टिंग एंड रोलिंग, पत्तियों में थोड़ा सा कभी कभी सूखना और किनारों से मुड़ना और पत्तियां पीली पड़ना इस तरह से दिखाई देता है, और फ्यूजोरियम विल्ट भी काफ़ी डार्क ये भी दिखाई देता है पत्तियों पर, वेस्कुलर बंडल स्टेम एंड रूट्स के ऊपर, इंसिडेंस इन हाई रेनी सीजन क्रॉप्स में ज़्यादा होती है। तो इसके लिए भी क्रॉप रोटेशन का प्रयोग करना और इसके साथ साथ डीप समर प्लोइंग करना, और जिससे कि मिट्टी धूप में अच्छी प्रकार से स्टरलाइज हो जाए, और बीजों को उपचारित करके बोना थायरम या कैप्टन नाम की दवा से 3 ग्राम बीज प्रति किलोग्राम सीड के हिसाब से। और एक होती है लीफ ब्लाइट, सर्कोस्पोरा एबलमोचस, स्मॉल ब्राउन टू स्कूटी स्टूटी ब्लैक एंगुलर स्पॉट्स, ये पत्तियों पर धब्बे देखे जाते हैं पत्तियों की बहुत सरफेस ऊपर और नीचे की तरफ पे, और जो प्रभावित पत्तियां होती है प्रीमेच्योर डेफोलेट हो जाती है, यानी पहले से ही प्रभावित होते ही है, गिर जाएगी और पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी और काफ़ी नुकसान करता है। हाई एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटीज़ फेवरेबल, वातावरण में जब आर्द्रता अधिक होती है तब इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो इसके लिए बॉडियो मिक्सचर 0.1% या बावस्टीन 0.2% या डायथेन M45 0.2% का 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते हैं। और अभी एक सबसे येलो वेन मोजेक वायरस, जो हमने देखा होगा वेराइटल करेक्टर्स में भी, रेसिस्टेंट वेराइटी, टॉलरेंट वेराइटी, ससेप्टेबल वेराइटी, इस तरह से येलो वेन मोजेक एक खतरनाक बीमारी होती है इसकी, बहुत ही भयंकर, जो प्रोडक्शन को बहुत अधिक प्रभावित करती है। तो द डिजीज इज करेक्टराइज बाई येलो वेन्स, जो साक सिराएँ होती है पत्तियों में वो पीली पड़ जाती है, और इन एक्सट्रीम केसेस द एंटायर लीफ टर्न्स कम्प्लीटली येलो, जब बीमारी बहुत गंभीर अवस्था में होती है तो पूरा पौधा ही पत्तियों के साथ पीला पड़ जाता है, कभी कभी फल भी पीले पड़ते हुए दिखाई दिए जाते हैं, और इस तरह से ये काफ़ी नुकसानदायक होती है, ऐसे कि फलों का काम नहीं होता, मार्केटेबल नहीं हो पाते और पौधे नष्ट हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन प्रभावित होता है। तो जैसा पता है इसका जो वायरस होता है उसको वाइट फ्लाई ट्रांसमिट करती है पूरे खेत में, तो इसके नियंत्रण के लिए एक तो क्या करेंगे, ग्रो रेसिस्टेंट वेराइटी, जो प्रतिरोधक जातियाँ हैं, जैसे परभनी क्रांति है, वर्षा उपहार है, पंजाब पद्मनी है, अरका अब है, अरका नामिका है, HRB55, इनको बुआई करेंगे जिन क्षेत्रों में इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। दूसरा, जो ही किसी पौधे पर यह दिखाई दे मोजेक वायरस में पत्तियाँ मुड़ी होगी, पीली पड़ी होगी, पत्तियाँ छोटी हो जाएगी, झुर्रीदार हो जाएगी, उनको निकाल बाहर करें ऐसे पौधे को, और गाड़ दे कहीं पर, फेंक दे जमीन में, दबा दे ढंग से उसको।
और तीसरा है कंट्रोल वाइट फ्लाई। अभी से वाइट फ्लाई एक पौधे पे यदि होगी तो पूरे खेत में नहीं फैले, इसके लिए उसको नियंत्रण के लिए मेलाथियॉन 0.1% या डाइमेथोड 0.05% या मोनोक्रोटोफास 0.05% का 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहें। तो ये एक बहुत काफ़ी सीरियस गंभीर बीमारी है इसकी, येलो वैन मोजेक वायरस YVMB ऑफ ओकरा। इसको के लिए काफ़ी किसान को ध्यान रखना चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए फील्ड का। और एक ये लास्ट है इसकी एनिएशन लीफ कर्ल, ये भी पत्तियों को कर्ल करती, यानी दोनों तरफ की जो किनारे होते हैं पत्तियों के वो मुड़ जाते हैं, छोटी रह जाती है और ग्रोथ उनकी, और अंडर सरफेस लीव्स अपीयर्स द लीव्स कर्ल इन एडजेक्सल डायरेक्शन, कर्ल इन एंड, ये दोनों तरफ इसकी मुड़ती रहती है पत्तियाँ, और ये भी वायरस की डिजीज़ है। तो इसको भी ऐसे पौधों को तुरंत निकाल बाहर करें और जला देवें, और मेलाथियॉन का, डाइमेथोड का, मोनोक्रोटोफास जो सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण में बताया था उसका स्प्रे करें। इस तरह से ये कीट और बीमारियों से बचाते हुए एक बहुत इम्पोर्टेंट जो ओकरा और न्यूट्रिशन पोषण वाली और काफ़ी बड़ी मात्रा में जिसको लोग पसंद करते हैं ग्रो की जाती है, और हम इसको यदि कल्चर प्रैक्टिसेस का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए तो बहुत अच्छे इसका उत्पादन लिया जा सकता है। नमस्ते।